दोस्तों आज केरला स्टोरी देखने आया हूँ मैं। कल किसी वजह से नहीं आ पाया था और बाकी कल का इसके जो कलेक्शंस हैं वो बहुत शानदार रहे हैं। जहाँ किसी का भाई किसी की जान ने पहले दिन सिर्फ 13 करोड़ कमाए, वहाँ इसमें जिस फिल्म में कोई स्टार नहीं है, कोई नहीं है, इस फिल्म ने कल कमाए हैं लगभग 7.5 से 8 करोड़ के बीच में, जो बहुत ही शानदार कलेक्शन है। और आज इस फिल्म के शोज़ में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई है, लोग मतलब देखने के लिए आ रहे हैं, इसी वजह से शोज़ बढ़ा दिए गए हैं कई सिनेमाज में। यहाँ मेरठ में इस आइनॉक्स सिनेमा में भी इस फिल्म में कल सिर्फ 3 शो थे, वहीं आज 2 शो और बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि दर्शकों की तादाद अच्छी खासी यहाँ पहुँच रही है। तो अब देख के पता लगेगा फिल्म कैसी है। तो चलिए मिलते हैं फिल्म देखने के बाद। कैसी लगी? रियल बेस्ड स्टोरी थी, अच्छा था। केरला की स्टोरी दिखाई गई है इसमें, केरला की स्टोरी दिखाई गई है। तो क्या लगा? अच्छा, ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। ये होना चाहिए, मुसलमान तब हुआ करते थे जिन्होंने काफ़ी जाति की है हिंदुओं पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। मतलब एकदम रियलिटी दिखाई गई जो एक्चुअल में हो रहा है, बहुत अच्छी लगी। ऐसे लगता है कि आगे मतलब ऐसा ना हो जो लड़कियों के साथ होता है, धर्म परिवर्तन आदि चीज़ें बहुत सारी। इसमें एक रियल स्टोरी दिखाई गई है हमें, वही दिखाया जा रहा है जो रियलिटी है, वो दिखाया जा रहा है। बहुत औसम मूवी थी, मैं चाहूँगा हमारे यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए और इस मैसेज से सीखना चाहिए कि गर्ल्स के साथ नॉट इन केरला, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ये कन्वर्जन हो रहा है, ये किसी भी एक रिलीजन के लिए, सभी रिलीजन के लिए हो रहा है। मेनली टारगेट इसे हिंदूज लड़की हो गई, क्रिश्चियन हो गई, जैन, बौद्ध, सभी करके वो टारगेट करा जा रहा है इससे। मुझे सीखना चाहिए इस मैसेज से। मतलब आपके हिसाब से देखनी चाहिए ये मूवी? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखनी चाहिए, मस्ट वॉच मूवी है सर ये। और सर जो 18+ दे रखा है ना, ये चीज़ थोड़ी वो करनी चाहिए, क्योंकि हम टिकट जब लेने जा रहे थे ना तो मैं चीख चीख के पूछ रहे थे कि आप 18+ हो ना, 18+ हो, अश्योर हो 18+ हो? मतलब मैसेज देखने के लिए भी, रियलिटी देखने के लिए भी हमें अश्योरिटी दी जा रही है ऐसे। कैसी लगी मूवी भाई? बहुत बेकार मूवी थी, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया मूवी थी। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही तो बेकार लगने लगी थी, फिर लास्ट में जब पता चला रियल लाइफ स्टोरी है तो दर्द भी हुआ। मूवी अच्छी थी, इंस्पायर करती है, अच्छी। दोस्तों द केरला स्टोरी फाइनली देखी मैंने और अभी आपने देखा कि लोगों की भी, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी। फिल्म में जो दिखाया गया है वो एक सच्चाई है, जो एक घटना थी वो हुई थी। अब इसमें भी लोग कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियों का बताया गया है और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें 3 लड़कियों 4 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। तो ठीक है अगर उनकी बात भी मान ली जाए, लेकिन अगर एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है तो वो गलत है या सही है? बहुत सारे यूथ जो बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है तो उन्हें टिकट लेने में भी बहुत परेशानी हुई, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तो इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए था। लेकिन इस फिल्म को देखकर सेंसर बोर्ड पे सवाल उठते हैं कि कुछ सीन इन्होंने कैसे पास कर दिए। मतलब वेब सीरीज़ का अभी तक विरोध हो रहा है और उस पर सेंसर लगाने के लिए मतलब गुहार लगाई जा रही है काफ़ी टाइम से और उस पर बात भी चल रही है, लेकिन यहाँ फिल्मों में मतलब जहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह सब जाते हैं वहाँ पे खुलेआम इस तरह के सीन ये सेंसर बोर्ड कैसे पास कर रहा है? आप लोगों में से जिसने भी ये फिल्म देखी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।